तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज आप लोगों को बताने वाले हैं कॉफ़ी के इस्तेमाल से आप स्किन के कितने मसले आप लोगों के हल हो सकते हैं, और कौन कौन से किस किस तरीके से आप लोगों ने अपनी स्किन के क्लींजिंग के लिए, ग्लोइंग के लिए, स्मूथिंग के लिए, एक्नी के लिए, ड्राई स्किन के लिए आप लोगों ने किस तरह से मास्क बनाना है वो लाजमी सुन लीजिएगा। कॉफ़ी पाउडर आप लोगों ने 1 चम्मच लेना है, बेसन 1 चम्मच लेना है, हनी आधा चम्मच, और 1 चम्मच आप लोगों ने दही का लेना है। उसे अच्छे तरीके से पेस्ट बनाना है, 15-20 मिनट के लिए फेस पर लगाना है। इससे आप लोगों की स्किन ग्लो करेगी, और नॉर्मल वाटर से आप लोगों ने वॉश कर लेना है। नंबर 2 पर है स्किन की क्लीन, स्किन को साफ़ करने के लिए कॉफ़ी आप लोगों ने, कॉफ़ी का पाउडर 1 चम्मच लेना है, हनी 1 चम्मच लेना है, लेमन आप लोगों ने आधा चम्मच लेना है। अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ये आप लोगों के चेहरे से डस्ट वगैरह को रिमूव करेगी और गंदगी को साफ़ कर देगी, और आप लोगों के चेहरे को मुकम्मल क्लीन और खूबसूरत बना देगी। नंबर 3 पर है स्मूथ स्किन के लिए। अगर आप नरम मुलायम जिल चाहते हैं तो कॉफ़ी आप लोगों ने 1 चम्मच लेनी है, और एलोवेरा जेल भी 1 चम्मच लेना है। अच्छे तरीके से इसका पेस्ट बनाना है और अपने फेस पर इसको लगाना है। इससे आप लोगों की स्मूथ स्किन हो जाएगी। एक्ने वाली स्किन्स के लिए आप लोगों ने क्या करना है, 1 चम्मच आप लोगों को कॉफ़ी पाउडर लेना है, कोकोनट ऑयल आप लोगों ने आधा चम्मच लेना है, दालचीनी का पाउडर आप लोगों ने 2 चुटकी लेना है, और हल्दी आप लोगों ने 1 चुटकी लेनी है। इनको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, फेस पर 15-20 मिनट के लिए लगाना है, उसके बाद अपना फेस वॉश कर लेना है। ये आप लोगों की एक्ने को रिमूव करेगा और आप लोगों के पोर्स को क्लोज करेगा। उसके बाद लास्ट में है ड्राई स्किन के लिए आप लोगों ने 1 चम्मच कॉफ़ी का पाउडर लेना है, 1 चम्मच आप लोगों ने केले का पेस्ट लेना है, और आधा चम्मच आप लोगों ने जैतून का तेल लेना है, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और अपने फेस पर अप्लाई करना है। इस पेस्ट से आप लोगों की ड्राई स्किन जो है वो रिमूव हो जाएगी और आपकी स्किन नॉर्मल हो जाएगी। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, दूसरे तक लाजमी शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।